हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। आज हम बनाएंगे हनी चिली पटेटो। हनी चिली पटेटो के लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए थे। आलू हैं पाँच से छः, और ये मैंने कट करके वॉश कर लिए थे। उसके बाद शिमला मिर्च, प्याज कुछ हमें इस तरीके से काटनी है क्यूब में, कॉर्नफ्लोर छोटी छोटी सी प्याज भी काट ली है मैंने तड़के के लिए, नमक, सफ़ेद तिल, काली मिर्च, हनी, दो हरी मिर्च, सोया सॉस, रेड चिली विनेगर, वाइट विनेगर, टमाटो सॉस। आलू को हमने बाउल में डाल लिए हैं। कॉर्नफ्लोर चार से पांच चम्मच, कॉर्नफ्लोर हमें ये अच्छे से मैश करने हैं इसमें, कॉर्नफ्लोर जो आलू पे चिपक जाए। ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर कितने अच्छे से आलूओं पे चिपक गया है। अब इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई मैंने रख दी है तेल, हमारा तेल हो चुका है। अब हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। ये हमें धीमी आंच पर ही फ्राई करने हैं जिससे क्रिस्पी बने। ये हमें गोल्डन ब्राउन करने, हमें इस तरीके से फ्राई करने हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और दोबारा से फ्राई होने के लिए रखेंगे। हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब आगे शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, एक चम्मच नमक, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच चिली को, रेड चिली को, एक चम्मच टोमेटो केचप, एक चम्मच व्हाइट विनेगर, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच हनी, आलू के स्लाइस, मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसका हम पतला सा बैटर बनाकर ग्रेवी के लिए काफी अच्छा रहेगा। जो हमारी छोटी छोटी प्याज थी वो भी हम ऊपर से डाल देंगे, और सफेद तिल,